لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एक भाई ने सवाल पूछा है कि ये जो सुबह के अज़कार होते हैं और ये जो शाम के अज़कार होते हैं, इनका सही वक्त क्या होता है। तो जनाब, सुबह के जो अज़कार हैं, इसके लिए सबसे अच्छा वक्त जो है वो सुबह सादिक से लेकर इशराक तक का है। अलबत्ता अगर इस वक्त में किसी से रह जाए कि भाई आप ऐसे वक्त पर उठे हैं कि फजर की नमाज आपने आखिरी वक्त में पढ़ी है, तो वो अजगार का वक्त निकल गया, थोड़ी देर में इशराक का वक्त आ गया, तो जवाल से पहले भी पढ़े जा सकते हैं। इसी तरह जो शाम के अजगार हैं, इसका बेहतरीन वक्त असर से मगरिब के दरमियान है। लेकिन अगर इस वक्त में किसी वजह से ना कर सकें तो पूरी रात में किसी भी वक्त शाम वाले अजगार किए जा सकते। अलबत्ता जिन अजगार या दुआओं के साथ हदीस शरीफ में ये खास कर दिया गया है कि ये मगरिब के नमाज के बाद पढ़े जाएंगे, तो फिर इन अजगार या दुआओं को मगरिब की नमाज के बाद ही पढ़ना चाहिए। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे ट्विटर के अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप हमारे एक से ज़ायद पेजेस हैं, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं और इन और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।